विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं में आज हम संस्कृत विषय में दूसरा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वर्ण काकय अर्थात सोने का कौवा। तो पाठ शुरू होते हैं, पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा पहले कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे गांव में एका एक निर्धना गरीब वृद्धा स्त्री वृद्ध महिला न्यवसत रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। तस्या से एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्या उसकी च और एका एक दुहिता पुत्री विनम्रा विनम्र मनोहरा सुंदर च और आसी थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत् सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां सप्तमी भक्ति एक वचन थाली में, तण्डुलान् बहुवचन शब्द है चावलों को, निक्षिप्य रखकर पुत्रीम पुत्री को आदिशत आदेश दिया। सूर्यातपे सूर्य के ताप में अर्थात धूप में तंडुला चावलों को खगेभ्य पक्षियों से रक्षमानी रक्षा। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा कर। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काकः समुदीय तस्या समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ काल समय अनंतरम पश्चात बाद एको एक विचित्र अनोखा अजीब काके कौवा समुड़िये उड़कर के तस्या उसके किसके वो जो गरीब वृद्ध महिला की जो पुत्री थी उसके समीपम पास एगच्छत आया। कुछ समय पश्चात एक अजीब कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। नेता दिशा स्वर्ण अक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट तम तंडुला खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। नेताजस इस प्रकार स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला रजत चंचु, रजत माने होती है चांदी की चोंच वाला, चंचु माने चोंच, स्वर्ण काकय सोने का कौवा तया
उसके द्वारा पूर्वम पहले दृश्य देखा गया, नहीं नहीं एतादृश्य इस प्रकार का, एतादृश्य इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोच वाला, सोने के का सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम पहले दृश्य नहीं, नहीं नहीं एतादृश्य से नहीं निकल गया तो नए प्रश्न का दृश्य हो गया, तो याद आएगा पूर्वम की बात में पहले नहीं नहीं दृश्य देखा गया। तब उसको किसको कोवे पे तंडुलान चावलों खादंतम खाते हुए हसंतम च और हंसते हुए विलोक के देख करके बालिका ने रोदी तुम रोना आरब्धा शुरू कर दिया, क्योंकि वह तो छोटी बच्ची थी, इसलिए माता ने उसको आदेश दिया था कि चावलों की रक्षा करनी, और अब कौवा जब चावलों को खा रहा था तो वो बेचारे रो गए। इस प्रकार सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहला कौवा उसने पहले नहीं देखा, उसने पहले कोई कौवा देखा ही नहीं था इसे, उसको चावलों को खाता हुआ, वो चावलों को भी खा रहा था ऊपर से हंस भी रहा था, तो चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर उस लड़की ने, गरीब महिला की पुत्री ने रोना शुरू कर दी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय, तम उसको निवारयन्ती रोकते हुए, सा वह अर्थात वो बच्ची जो गरीब महिला की पुत्री है, सा वह उस बच्ची के लिए है, प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी तंडुलान चावलों को, बहुवचन शब्द मां मत या नहीं भक्षे खाओ, उसको रोते हुए वह प्रार्थना करने लगी, कौन प्रार्थना करने लगी, वो बच्ची प्रार्थना करने लगी कि चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया मेरी माता अतीव बहुत निर्धना गरीब वर्तते मानी है कि मेरी माता बहुत गरीब है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इस पाठ को घर पे दोबारा पढ़ना ढंग से, और इसका हिंदी अनुवाद याद करना, इसके शब्दार्थ याद करना। धन्यवाद।